और चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है भाजपा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक, दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं। सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के मंत्री, प्रभारी और पदाधिकारी मौजूद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में मंथन हो रहा है। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर भी चर्चा हो रही है। कल भी आयोजित की जाएगी भाजपा पदाधिकारियों की बैठक। कल भी बैठक जारी रहेगी। बैठक का कल दूसरा दिन रहेगा और इस वक्त भी ये बैठक जारी है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा जुटी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ये बड़ी और अहम बैठक इस वक्त जारी है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चल रही है ये बैठक। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है। सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा इस बैठक में की जा रही है। सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के मंत्री, प्रभारी मौजूद हैं इस बैठक में। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बेहद अहम ये बैठक है, इस वक्त जारी है, कल भी बैठक जारी रहेगी। सबसे पहले तो जानना यही चाहेंगे, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। अब तक बैठक में किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, किस पर फोकस रहेगा? देखिए श्वेता, ये दिल्ली में पार्टी मुख्यालय भाजपा का जो है उसके एक्सटेंशन बिल्डिंग में बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी 2 घंटे होने को है यहाँ पहुँचने के बाद। लंबा समय प्रधानमंत्री इस बैठक में दे रहे हैं क्योंकि देश भर के भाजपा के संगठन के जो टॉप लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। भले ही प्रत्येक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ के संगठन महासचिव हैं, इंचार्ज हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अलग अलग मोर्चों के अध्यक्ष हैं, वो सब बैठक में मौजूद हैं। संगठन में क्या काम चल रहा है उसका विश्लेषण हो रहा है। संगठन में जिनको जो काम दिया गया, जिन राज्यों में अच्छा काम हुआ उसकी तारीफ हो रही है, जिन राज्यों में कम काम हुआ है या कुछ विशेष फील्ड में कम काम हुआ है उस पर ज़्यादा काम करने की बात है। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उनको विश्लेषण किया गया है कि 3 राज्यों में भाजपा बहुमत में आई है, उसके लिए जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने मेहनत की उनकी तारीफ और शाबाशी उनको मिली है। लेकिन आगामी वर्ष में लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव भारत में होने हैं, उसका टारगेट भाजपा का है कि कैसे भाजपा फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाए। इसको जो बैठक का पूरा टारगेट है वो यही एक टारगेट है। पूरे विश्लेषण के साथ ये बैठक की जानी है, इसमें चर्चा चल रही है। अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आते हैं, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, उसको बातचीत है। 2 मुद्दे अलग अलग थे। एक मुद्दा ये कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री के नाम के लिए आगे नाम किया मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसको लेकर चर्चा कि कैसे कौन सी अच्छी और बुरी बातें भाजपा के लिए हो सकती हैं। दूसरा, उपराष्ट्रपति को लेकर जो मिमिक्री की गई और उसके बाद जो मुद्दा हुआ, कांग्रेस के जो सांसद हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं, हाउस से बाहर आ गए हैं, उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर में उनका धरना था, उसको लेकर एक बात है। तो भाजपा इन सारे मुद्दों को लेकर कर रही है, आगामी तैयारी उनको करनी है। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन 25 दिसंबर का आता है, उसको लेकर कोई बड़ा प्रोग्राम पूरे भारत में किया जा सकता है ताकि आम लोगों तक पहुँचा सके। 2 और बातें साथ में श्वेता हैं। एक बात, मोदी की गारंटी। यहाँ जो सभा चल रही है, जहाँ बैठक चल रही है सभी पदाधिकारियों की, उस बैठक में भी बाहर जो बोर्ड लगाया गया है उसमें एक बोर्ड मोदी की गारंटी के लगाया गया है। और 3 विधानसभा चुनाव जब भाजपा जीत कर आई तो उसमें मोदी की गारंटी का जो प्रचार किया गया उसका लगता है कि भाजपा को बड़ा फायदा हुआ, उसको लेकर एक बात है कि किस तरह किया जा सकता है। तो ये दूसरी बात जो थी वो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो जो विकसित भारत संकल्प एक अभियान है भाजपा का, वो कैसे गांव और ढाणी तक पहुंचे, उससे कितना मतदाता को जोड़ा जा सकता है, कितना लाभ आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिल सकता है, इन सब चीज़ों पर चर्चाएं हैं। क्योंकि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पहले अपनी हर एक योजना आम मतदाता तक पहुँचाना चाहती है, उसमें संगठन का बड़ा मुख्य रोल रहता है। संगठन को पूरी तरह से एक्टिव करके आखिरी मतदाता तक
इन योजनाओं को पहुंचाना, उनको लाभ दिलाना, ये भाजपा का मकसद है, ताकि लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ आम मतदाता आ सके। पूरी बैठक है, कल भी एक बैठक श्वेता, इस बैठक का दूसरा हिस्सा कल होगा, दो दिवसीय बैठक है, कल बैठक लंबी चल सकती है, सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी, अमित शाह उस बैठक में मौजूद रहेंगे, बाकी जितने लोग आज कोई 125 से ज्यादा पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें भले ही वसुंधरा राजे हो। और इस लिहाज से ही बेहद अहम ये बैठक है, क्योंकि बहुत कुछ है, रणनीति दो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तय कर ली जाएगी, किस पर फोकस करना है, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, खासतौर से गारंटी का जिक्र, क्योंकि हर चुनाव में अभी विधानसभाओं में किया गया है, तो लोकसभा में कैसे ये लोगों के जहन तक पहुंचे, इस पर भी फोकस कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि बैठक जारी है। अश्विनी आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।